हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम मोहित गुप्ता है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमजी टेक्निकल में स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं एमएस एक्सेल में कि अपना ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट करें। तो आइए जानते हैं, अपने एक्सेल शीट चलते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक सीट बनाई हुई है ओवर टाइम की। तो जैसे कि एक ऑफिस है, उसका मैंने एक सीट बनाया हुआ है जिसमें वर्किंग आवर टाइटल मैंने और एक टाइम डाला है 8 घंटे के। 8 घंटे वर्किंग टाइम है। ओके, मुझे रोहन का निकालना है, मतलब ओवर टाइम निकालना है, कितना ओवर टाइम है उसका। तो उससे पहले उसका टाइम इन का डालना है, टाइम आउट डालना है, मैं टोटल आवर काउंट करना है, कितना टाइम उसने वर्क किया हुआ है, इसके बाद निकालना है ओवर टाइम। तो इसके लिए हम पहले डालते हैं टाइमिंग, इन टाइमिंग। अब मैं वो कब आया मेरे ऑफिस में। ओके, तो इसके लिए हम टाइम डालते हैं 10 बजे। ये देखिए, मैंने 10 डाल दिया है, परंतु आपको ये पता है कि ये 10 कौन सा है, एएम है या पीएम है। तो इसके लिए आपको टाइम फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा। तो आप सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, होम टैब में जाएंगे, होम टैब में जाने के बाद ये नंबर ब्लॉक में जाएंगे, उसके बाद ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में कस्टम वाले में, यहाँ से आपको टाइम को सिलेक्ट करना है। टाइम सेलेक्ट हो गया, इसको थोड़ा एडजस्ट कर दीजिए। तो ये कहिए आपका टाइम आ गया है, 10 बज गया, 10 बज के एएम पे एएम हो गया है, ये आपका टाइम इन वाला है। तो ऐसे ही बाकी सेल में भी कर लेते हैं कॉलम में। तो ये हमने थोड़ा टाइम वो फिल कर लिया हुआ है, इसके बाद मुझे आउट टाइम फिल करना है कि हम कब गए शाम को अपना वर्क करके काम करके। तो उसके लिए डालते हैं, मैं 6 बजे डाल देता हूँ। ऐसे मेरा टाइमिंग आउट है 6 बजे का, मैं 6 बजे यहाँ जाता हूँ ऑफिस से, मैं 6 बजे डाल दिया। तो इसमें भी देखिए, इसमें सिर्फ 6 आया हुआ है, इसे पता नहीं कौन सा आया है कि, तो उसका टाइमिंग चेंज कर लीजिए आप। फिर से सेल को सेलेक्ट करेंगे, नंबर ब्लॉक जाने पर टाइमिंग पाएंगे। ठीक, टाइमिंग सेलेक्ट किया तो देखिए आपको दिखा रहा है, ये एएम दिखा रहा है, उसके टाइमिंग थोड़ा सही करना पड़ेगा, तो इसको कस्टम करेंगे। तो ये इस तरह दिखा रहा है, तो उसको फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। सेल को सेलेक्ट करेंगे, कस्टम ड्रॉप डाउन में जाएंगे और नंबर फॉर्मेट में जाएंगे। इसके बाद देखिए, कस्टम जाने बाद ये आपका शो कर रहा है आवर, मिनट मिनट, टाइम सेकंड सेकंड और एएम पीएम, इसको सेलेक्ट करना है। ठीक, और इसको सेलेक्ट करना है, आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको आपको फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, एएम को मैनुअली पीएम करना होगा। जैसे पीएम करेंगे देखिए इस तरह आ गया है, इसको दोबारा टाइप करना पड़ेगा आपको। जैसे मैं 6 टाइप किया, इसको एंटर किया और इसको मैंने टाइम सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने मैनुअल पीएम कर लिया। तो ये देखिए आपका आ गया कुछ इधर से, इसको फिर एडजस्ट कर लेंगे आप। इसी तरह बाकी टाइम को फिल कर लेंगे। तो ये इसको मैंने फिल कर लिया हुआ है, इसके बाद मुझे टोटल काउंट करना है मैंने कितने घंटे काम किया है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इक्वल लगाएंगे, टाइम आउट सेलेक्ट करेंगे, टाइम आउट को माइनस करेंगे टाइम इन से और इंटर कर देंगे। तो देखिए आपका आ गया इस तरह से, लेकिन ये एएम दिखा रहा है, इसके लिए आपको टाइम फॉर्मेट पर जाना पड़ेगा। बैक क्लिक करके उस पर जाएंगे ऊपर, इसके बाद मोर पे जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट पे, कस्टम पे जाएंगे। तो ये ऊपर देखिए दे रहा होगा, मिनट मिनट आवर दे रहा है। इसमें आपको सिलेक्ट करना है आवर्स, मिनट मिनट और सेकंड सेकंड को सर्च कर सिलेक्ट करना है। तो आप इसको ओके कर देंगे। तो देखिए आपका टाइमिंग शो करने लगा हुआ है, इसको आप डायरेक्ट कर लेंगे। तो देखिए मेरा टाइमिंग आ गया, मैंने कितना काम किया है टोटल आज के दिन, जिस डेट में मैंने काम किया है टोटल आपका शो करने लगा हुआ है। इसके बाद आपको निकालना है ओवर टाइम निकालना है। तो
ओवर टाइम निकालने कैसे तो देखते हैं। पहले ओवर टाइम निकालने लिए आपको इक्वल, इसके बाद आपको ये टोटल काउंट करना है जो सेलेक्ट किया, टोटल किया मैंने उसको निकालना है, सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद माइनस, आपका जो आधा घंटा हुआ है वो फिक्स रहेगा, इसको माइनस करना है। और ये जो मैंने है इसके ये मैं हमेशा बदलता रहेगा, मतलब कि टोटल मतलब कि मैंने जो किया घंटे वो टाइमिंग वो बदलता रहेगा, पर ऑफिस का जो टाइम है 8 घंटे का वो एक ही फिक्स रहेगा। तो इसको हम फिक्स कर लेते हैं F4 करके, तो इसको मैंने फिक्स कर लिया हुआ है। इसको करने के बाद आपको सिंपल से इंटर करना है, इंटर करते ही आपका ये ओवर टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। अभी देखो जो भी दिखा रहा है इसमें कोई भी ओवर टाइम नहीं हुआ है। इसको आप ड्रैग करेंगे या डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे कॉर्नर पर आके तो भी हो जाएगा। देखिए मैं ड्रैग किया, देखिए इसमें मेरा ओवर टाइम है, ये मैं इसमें ओवर टाइम किया हुआ है 10 मिनट का, इसमें 40 मिनट का टाइम है 3 तारीख को, और मैंने ये 4 तारीख को 1 घंटे को ओवर टाइम किया हुआ है। इस तरह मेरा ये ओवर टाइम कैलकुलेट हो जाता है। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें मेरी नोटिफिकेशन पाने के लिए। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट और शेयर करें।